तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरीके के फ्रेंच फ्राइज, जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, और बनाकर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है, पैन को मीडियम गैस पर गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे एक चम्मच ऑयल, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा हम गरम करेंगे यानी कि भून लेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जिस कप से आप सूजी ले रहे हैं उसी कप से हम पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी प्लस 1/4 कप हम इतना पानी लेकर इसमें डाल देंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और 1 कप हम यहाँ पर डाल देंगे सूजी। तो जितना पानी लिया है तो उतना ही हम सूजी ले लेंगे, उससे बस पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो बस सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, और इस तरीके से पानी के साथ में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल सोक हो जाएगा पानी, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर लेंगे पहले से और इसको ठंडा कर लेंगे, तभी हम इनको यूज़ करेंगे। एकदम गर्म आलू यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो बस ये देखिए, बिल्कुल अच्छे ठंडे आलू हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बट इसमें दाना नहीं रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गुठली नहीं रहनी चाहिए आलू की, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और जो सूजी हमने बॉईल करके रखी थी उसको हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं हाथों से छुपा रही हूँ, तो ये अच्छे से मतलब ठंडी हो गई है। एकदम ठंडी नहीं है, बट हाथों से हम छुपा रहे हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर पा रहे हैं इसको। तो बस इतना ही हम इसको ठंडा करना है, और ये अच्छे से फूल भी गई है। बस इसको मिक्स करने के बाद में इसमें मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। चाहे तो आप और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हमने जो आलू ग्रेट करके रखे थे वो हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो आप इसमें चाहे तो हरी मिर्ची, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ इनको। बस थोड़े थोड़े आलू मिक्स करते जाएंगे और इसको अच्छे से मैश करते जाएंगे, जिससे आलू और सूजी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बढ़िया सा टेस्ट आए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसको बिल्कुल देखिए, आप हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा, ईजीली ये बिल्कुल ये सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम एक रोलिंग बोर्ड लेंगे और इस तरीके से उसको ऑयल के साथ में ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जो डो है ना वो चिपकेगा नहीं। ऊपर से थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे मैंने डाल दिया है सूजी, और थोड़ा सा हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हमने जो डो तैयार किया है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 भाग को हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसको बेल लेंगे। तो थोड़ा इसको मोटा रखेंगे, जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज रखते हैं, थोड़े मोटे रहते हैं वो, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा मोटा बेलेंगे, तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बेलने के बाद में इसको कट कर लेंगे। तो ये इसको छोटा बड़ा जैसे आप चाहें तो कट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़े लंबे लंबे इसके स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, आप चाहें तो इसको 2 भाग में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, बीच में से 2 पार्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इसको लंबा लंबा कट कर रही हूँ। आप स्टोर भी कर सकते हैं इनको, बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए। तो लेकिन उसके लिए आप इस तरीके से इसको अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में डस्ट करके इनको एयरटाइट बैग या जिपलॉक बैग में कर कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रीजर में स्टोर कर दीजिएगा। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे अच्छे से, मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म कर लिया था, और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी हम जो फ्राइज कट किए हैं वो इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ या एकदम हाई हुआ ना, तो बिल्कुल भी अच्छे फ्राइज नहीं बनेंगे। हाई हुआ तो जल जाएंगे, लो हुआ तो इसमें ऑयल भर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करिएगा, और एकदम बढ़िया गर्म होना चाहिए, यानी कि मतलब जब डालो ना तो एकदम से ये फूल कर ऊपर आए, तो उस टाइप का ऑयल गर्म होना चाहिए। तो बस इनको जब ये एक साइड से सिक जाएंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, जस्ट डालने के बाद में टर्न नहीं करेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तब थोड़े सिक जाए उसके बाद इसको टर्न कीजिएगा। बस इस तो थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, बस इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के जो फ्राइज़ हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा ऑयल का आप ध्यान रखेंगे। अगर ऑयल अच्छा गर्म है तो ये फ्राइज़ बहुत ही बढ़िया बनकर बाहर निकलेंगे, आप इसका ध्यान रखिएगा। बस फ्राई करते टाइम पे ऑयल का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है, एकदम लो या हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, गैस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे फ्राइज़ को फ्राई कर लिया है, कितने बढ़िया से फ्राइज़ बनकर तैयार है हमारे, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, और एक बार में आप बहुत सारी क्वान्टिटी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए,
में जब कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो तो इस तरीके का स्नैक्स जरूर बनाइएगा। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा और आपका भी काम बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।